नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप चिकित्सा व्यवस्था के अंतर्गत RGHS योजना के अंतर्गत जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है। ये देखिए, यहाँ पे मेरे अकाउंट में 4,80,000 रुपए पड़े हुए हैं। क्या आपके अकाउंट में भी बैलेंस पड़ा हुआ है या फिर आपके अकाउंट में नील बैलेंस पड़ा हुआ, इसका पता कैसे लगाए कि आपको RGHS कार्ड के अंतर्गत कितनी लिमिट दी गई है, कितना अमाउंट आपने अभी तक यूज कर लिया है और अब आपके पास करंट बैलेंस कितना है। सरकार ने कहा है कि आपको 5,00,000 रुपए तक मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 4,80,000 रुपए। बाकी के 20,000 कहाँ गए, बाकी के 20,000 कहाँ मिलेंगे, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बना हुआ है, घंटी का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, सरकार द्वारा आपको जो 5,00,000 रुपए दिए गए हैं इलाज के लिए, वो आपके कहाँ पे पड़े हुए हैं, कैसे उसका आप पता लगा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने SSO ID ओपन कर लेनी। ये देखिए, मेरी SSO ID अभी ओपन कर रखी थी, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। शुरू करता हूँ मैं अपनी खुद की SSO ID। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको sso.rajasthan.gov.in लिखकर एंटर कर लेना, आपकी SSO ID ओपन हो जाएगी। आपके सामने SSO का होम पेज दिखाई दे रहा है, लॉगिन पेज दिखाई दे रहा है। इस पर आपको आपकी SSO ID पासवर्ड तथा इसका कैप्चा, जो ये संख्या लिखी हुई है, उसको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपकी SSO ID ओपन हो जाएगी। इस SSO ID के अंदर आपको एक अलग ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये एक एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है RGHS कार्ड लिमिट ट्रैकर, इस पर चले जाना है। इस पर आप जैसे जाएंगे, आपको पता लग जाएगा आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। यदि आपके फैमिली मेंबर बीमार हो जाते हैं तो आप कितना इलाज करवा सकते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे IPD के अंतर्गत दिखाई दे रहा है 4,80,000 रुपए की मेरी लिमिट है। यदि मैं या मेरे परिवार वाले कोई भी बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर 4,80,000 रुपए तक का इलाज सरकार द्वारा फ्री किया जाएगा एक साल की अवधि के अंदर। एक साल के जैसे अवधि खत्म हुई, उसके बाद फिर से 4,80,000 रुपए मेरे खाते में आ जाएंगे। इस अवधि के बीच में मैं इलाज ले सकता हूँ, ये पैसा उपयोग कर सकता हूँ। इसके अलावा सरकार ने जो कहा था, वो कहा था 5,00,000 रुपए तक का इलाज दिया जाएगा। तो बाकी के 20,000 कहाँ गए, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे OPD ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 20,000 रुपए दिखाई दे रहे, यानी कि 4,80,000 प्लस 20,000, तो टोटल कितने हो गए, 5,00,000 रुपए। यानी आपको सरकार ने आपके अकाउंट में आपके SSO ID पे RGHS के अंतर्गत 5,00,000 रुपए दिए हैं, उसका यूज आपको करना है। ठीक है, अगर आपके घर वाले कोई भी बीमार हो जाते हैं तो किस तरह से इस योजना का लाभ लेना है, कौन कौन से मेडिकल स्टोर इसके अंतर्गत अधिकृत है, ये सारी सूचना लेके मैं एक नए वीडियो में फिर से हाजिर हो जाऊंगा। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए आपके OPD और IPD के अंदर कितना बजट पड़ा हुआ है, कैसे चेक करते हैं, आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। यदि आपके यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है या कोई भी एरर आती है तो मेरे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से बैलेंस घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जैसे आप चाहते हैं कि आप केवल दवाई लेना चाह रहे हैं, डॉक्टर के पास हमेशा आप जाते हैं, OPD के अंतर्गत आप इलाज के लिए जाते हैं, आपके 20,000 रुपये खत्म हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने कहा था 4,80,000 रुपये का, तो आप इस लिमिट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि आपको दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप इस लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से 4,80,000 प्लस 20,000 रुपये खत्म होने के बाद अगर आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो कैसे 5,00,000 और आपको मिलेंगे, उसका भी मैं वीडियो लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगा। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जल्दी से एक लाइक कर लीजिए और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। हो सकता है आपके दोस्तों में से किसी फैमिली मेंबर के कोई पर्सन बीमार है तो उसको ये जानकारी
होना आवश्यक है। कई लोगों को ये पता ही नहीं उनके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं या नहीं भी हैं। आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तब आपको पता चलता है आप तो इसमें रजिस्टर्ड ही नहीं हो, अभी तक आपने स्कीम शुरू ही नहीं करवाई। तो उससे पहले ही आप इसको समझ लें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिल जाए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।